बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बुनियादी असूल जो चैप्टर है उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशंस के बारे में, मतलब बुनियादी तरीके। बुनियादी तरीके में मैंने एक फ्लो शीट डायग्राम बनाई है, इसको हम देख लेते हैं, फिर वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। मैटर मतलब मादा, इसकी दो क्लासिफिकेशन है, मिक्सचर है एंड सब्सटेंस है। मिक्सचर की फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटरोजीनियस मिक्सचर। सब्सटेंस की फर्दर दो क्लासिफिकेशन, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब सबसे पहले हम मैटर, जो कि हमने पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। दो चीज़ें, या तो कोई भी चीज़ जो कि मास रखती हो और जगह घेरती हो, वो मादा कहलाती है। अब हर चीज़ जो है वो मादा है। हवा, मैंने बताया था आपको कि हवा जो है वो मादा है। मादा है किस शक्ल में? जब उसको एक सिलेंडर के अंदर बंद कर दिया जाए, सिलेंडर के अंदर बंद कर दिया जाए तो वो मादा है। अदरवाइज अगर खुली जगह में है तो वो मादा नहीं है, क्योंकि ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ना ही उसका कोई वेट होता है। और एक और चीज़, शैडो, जो हमारा जो साया है वो मादा नहीं है, क्योंकि ना ही वो जगह घेरता है, ना ही उसका कोई वजन होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर मादा की हालतें हैं, तीन हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, माया और गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब तबई खुशियात, तबई खुशियात हमने पहले पढ़ा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मादा कोई भी शय है उसकी ज़ाहिरी सूरत क्या होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। उन प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी आ जाती हैं? कलर, रंग आ जाता है, टेस्ट, जायका आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट है, फॉर मेल्टिंग पीपर पॉइंट, पीपर बॉइलिंग पीपर पॉइंट आ जाता है, उसकी स्मेल आ जाती है, क्रिस्टल की शेप आ जाती है, क्रिस्टल की शक्ल आ जाती है। अब हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने एक एग्जाम्पल ली थी, वाटर की एग्जाम्पल ली थी। वाटर मतलब उसका रंग क्या होता है? कोई रंग नहीं होता। उसका टेस्ट, उसका जायका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का 0 डिग्री सेल्सियस। स्मेल उसकी कोई बू नहीं होती। क्रिस्टल की उसकी शेप होती है, मतलब थ्री डायमेंशनल उसकी शेप होती है। क्रिस्टल शेप को बोलते हैं, मैंने तब जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया था तब हमने पढ़ा था कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हों उसके सामने नेगेटिव चार्जेस हो, जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हों उसके सामने पॉजिटिव चार्जेस हो, तो ये शेप जो बनती है वो क्रिस्टल की शेप बनती है। अब एग्जाम्पल हमने ली थी आइस की, बर्फ़ की एग्जाम्पल ली थी कि जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वो फिर पानी की शक्ल में आ जाता है। पानी को जब मजीद गर्म किया जाता है तो वो बुखारात की शक्ल में आ जाता है, मतलब वेपर्स फॉर्म में आ जाता है। अब पहले जब हमने बर्फ़ ली तो वो कौन सी हालत थी? ठोस हालत थी। जब उसको हमने गर्म किया, हीट किया, तो वो माया हालत में आ गया। मजीद जब उसको हमने हीट किया तो बुखारात की शक्ल में आ गया, मतलब गैस की शक्ल में आ गया। तो है वो क्या थी? पानी ही था, लेकिन मादा की तीनों हालतों में पाया गया, उसने अपनी शक्ल चेंज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करता गया, पहले ठोस में, फिर माया में और फिर गैस में। इसी तरह दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं कंपोजिशन पर, मतलब तरकीब पर। अब फॉर एग्जांपल हमने वाटर बनाना है, पानी H2O बनाना है, इसकी तरकीब क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसकी तरकीब है। पानी किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन से मिलकर और ऑक्सीजन से, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो पानी बन गया, ये पानी की हो गई तरकीब। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन क्या है? सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड की है तरकीब, कंपोजिशन। ये स्टूडेंट्स को अभी हमने बात की मैटर की प्रॉपर्टीज़ की, दो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले है सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब शय। अब शय का क्या मतलब है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कॉल्ड सब्सटेंस। मादे का वो टुकड़ा जो अपनी खालिस हालत में हो वो कहलाता है शय। अब खालिस हालत में होने के लिए अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो हम दूध की एग्जांपल ले लेते हैं कि दूध जो है वो खालिस हालत में, अगर उसके अंदर हम पानी मिला देंगे तो वो मिलावट वाला हो जाएगा, वो फिर खालिस फॉर्म उसकी नहीं रहेगी। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम सब्सटेंस की बात करते हैं, किसी भी शय की बात करते हैं, तो उसके लिए वो जो डिपेंडेंस है शय की वो दो चीज़ों पर है। वो किस पर है? सबसे पहले तो सेम टाइप ऑफ एटम, एक एक सेम के एटम्स होने चाहिए, एंड सेकंड फिक्स रेशो उसकी मुतअय्यन निस्बत होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों हम जो पॉइंट्स हैं इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम जो है इसके अंदर हाइड्रोजन के ही एटम होने चाहिए, इसके अंदर हम मिलावट नहीं कर सकते। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ही एटम होने चाहिए, इसके अंदर भी हम मिलावट नहीं कर सकते। अब फिक्स रेशो की बात करते हैं। फिक्स रेशो का क्या मतलब है? अगर हमने वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो वाटर बनाने के लिए हमें दो हाइड्रोजन चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, तभी वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा। अगर हम इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, अगर हम हाइड्रोजन भी दो कर देते हैं और ऑक्सीजन भी दो कर देते हैं, फिर ये वाटर नहीं रहेगा, फिर ये बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, फिर इसका नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहलाएगा। वाटर के लिए फिक्स रेशो होना लाजमी है, हाइड्रोजन दो होने चाहिए और ऑक्सीजन
हमारे पास 1 ही होना चाहिए। अगर हम उसकी रेशियो को चेंज कर देते हैं, इसकी निस्बत को अगर हम चेंज कर दें, या फिर सोडियम को 2 कर दें, क्लोरीन 1 ही रहने दें, तब ये सोडियम क्लोराइड नहीं कहलाएगा, फिर ये कोई और ही कंपाउंड बन जाएगा। तो जो सब्सटेंस है उसकी डिपेंडेंस 2 चीज़ों पर है, 2 पॉइंट है उसके। एक तो वो सेम टाइप ऑफ एटम होने चाहिए कि इसमें कोई भी एटम के अंदर कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, उसकी फिक्स रेशो होनी चाहिए, कोई भी शायद उसके अंदर फिक्स रेशो, जितनी वाटर के लिए 2 ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। इसकी अगर हम कंपोजिशन को चेंज कर देंगे, फिर हमारे पास वो कंपाउंड वो शायद नहीं बनेगी। स्टूडेंट्स, अब हमने बात की सब्सटेंस की, अब हम बात करेंगे एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है, फिर हम वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करते जाएंगे। एलिमेंट की डेफिनेशन देखेंगे कि जो सब्सटेंस, ये एक ऐसी शय है कि अभी हमने बात की है कि उसमें सेम टाइप ऑफ एटम होने चाहिए और उसकी फिक्स रेशियो होनी चाहिए। एक ऐसी शय मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, वही बात आ गई सब्सटेंस वाली के सेम टाइप ऑफ एटम होने चाहिए। एक ही किस्म के एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर यकसा मतलब एक जैसा। अभी हमने एटॉमिक नंबर की बात नहीं की, अभी हम एटॉमिक नंबर को जो है वो डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एंड कैन नॉट बी डीकम्पोज। डीकम्पोज मतलब इन्हें और मजीद तब्दील नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, मजीद छोटी छोटी अशिया में, शय में। मतलब क्या है इसका, कि ये एलिमेंट इतना छोटा पार्टिकल है कि मजीद हम इसको छोटे पार्टिकल में तकसीम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें और इसे कहें कि इसको हम मजीद तोड़ें, तो इसको हम मजीद तोड़ इसकी नहीं कर सकते, ये इतना ही रहेगा, क्योंकि एटम जो है वो खुद इतना स्मॉल है, एक छोटे से डॉट में करोड़ों की तादाद में एटम्स पाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसको हम मजीद जो है वो इसकी तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन बी न्यूक्लियस। कोई भी एटम है, हमने बात की थी एटम की, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब 8 एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, कि इसका जो एटम है उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं वो है 8, तो 8 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 8। और हमने ये भी बात की थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है, तो बाहर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 8 ही होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमने एलिमेंट की भी हमने बात की है कि एलिमेंट एक ऐसी शय है जो एक किस्म के एटम से मिलकर बनते हैं, और इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा, एटॉमिक नंबर मतलब उनके प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी होती है, और इन्हें मजीद हम तोड़ फोड़ उसकी नहीं कर सकते। अब अर्ली एज में जब साइंटिस्ट ने एलिमेंट को डिस्कवर करना स्टार्ट किया, तो कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे इब्तदाई दौर में, 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, जिनमें कौन कौन से थे। सबसे पहले दरियाफ्त होने वाले एलिमेंट्स की तादाद 9 थी, उनमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर, ये एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर हुए थे अर्ली एज में। इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के इख्तिताम तक जो एलिमेंट्स की तादाद थी वो हो गई थी 63। अब 19वीं सदी को क्यों याद रखा गया, क्योंकि 19वीं सदी में साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो गया था, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी साइंस ने, इस वजह से 19वीं सदी को याद रखा जाता है, और उनमें जो एलिमेंट्स की तादाद थी वो थी 63। अब जो दरियाफ्त हो चुके हैं एलिमेंट्स, उनकी तादाद है 118, जिसमें से जो कुदरती हैं वो है 92 एलिमेंट्स। ये 92 एलिमेंट्स कुदरती थे, साइंटिस्ट ने बस इनको डिस्कवर किया था। अब 118 एलिमेंट्स अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं, जिसमें से जो 92 है वो कुदरती हैं, बाकी बचते हैं 26 एलिमेंट बचते हैं, वो इंसान ने खुद लेबॉरेटरी में तैयार किए हैं। टेबल 1.1 नेचुरल अक्रंस बाय वेट परसेंटेज ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स। अब एलिमेंट उनकी परसेंटेज कितनी होती है, कहाँ पे होती है, अब पहले हम बात करेंगे कुछ एलिमेंट फ्री स्टेट में मतलब आजाद हालत में भी रहते हैं, और कुछ एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में मतलब इकट्ठे मिलकर भी रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन फिजा में आजाद हालत में गैस की सूरत में होता है। ऑक्सीजन की बात करें, ये भी फिजा में आजाद हालत में मौजूद होती है। लेकिन अगर हम बात करें ओशन में, समुद्र में, ये दोनों मिलकर इकट्ठे रहते हैं कंबाइंड फॉर्म में।
बाद आ जाते हैं ओशंस, मतलब समुंदर। समुंदर में भी तीन एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। एटमॉस्फेयर मतलब पूरा फिजाई हवा के अंदर तीन गैसेस पाई जाती है, एक तो नाइट्रोजन 78% सबसे ज्यादा पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% और ओजोन 0.9%। एलिमेंट्स मादा की तीनों हालतों में पाए जाते हैं, ठोस में भी पाए जाते हैं, माया में भी पाए जाते हैं और गैस में भी पाए जाते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं कि एलिमेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, ये एलिमेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में सिर्फ दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में से सिर्फ दो एलिमेंट्स आपने याद रखने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इनको याद रखना है आपने कि सिर्फ दो एलिमेंट जो है वो माया हालत में पाए जाते हैं। एक तो मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है HG, और ब्रोमीन, ब्रोमीन का सिंबल होता है BR। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये गैस फॉर्म में होते हैं, मतलब गैस हालत में पाए जाते हैं। अब इनमें से हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में, मतलब ठोस हालत में। हमने इर्द गिर्द भी देखते हैं हम कि ज़्यादातर जो हमारी चीज़ें होती हैं वो ठोस हालत में होती हैं, ज़्यादातर एलिमेंट जो है वो ठोस हालत में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 80% जो एलिमेंट्स हैं उनका जो शुमार होता है वो ठोस हालत में होता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में। एलिमेंट को तीन क्लास में तकसीम किया गया है, सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल एंड देन मेटलॉइड्स। अब हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते जाते हैं। सबसे पहले है मेटल, दोज एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड मेटल। अब वो एलिमेंट जिनके अंदर से हरारत और बिजली गुजर सकती है उसको हम बोलते हैं ये है मेटल। अब हम बात करते हैं कि इनमें से हरारत और बिजली क्यों गुजर सकती है, क्या वजह है कि इनमें से बिजली गुजर सकती है। अब हम देखें, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी शीट बनाई है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मेटल की शीट है, लोहे की शीट है, इसके अंदर जो है वो एटम्स बने हुए हैं, छोटे छोटे एटम्स हैं। हमें पता है कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है किसकी वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से, और बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहर चार्ज होता है वो इन सबके नेगेटिव चार्ज होता है। इसको अगर हम बड़ा करके थोड़ा सा एक्सप्रेस करें, तीन मैंने यहाँ पे एटम ले लिया है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इनके होगा नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। अब इनको अट्रैक्शन देखें जरा, ये पॉजिटिव जो है इसको इस नेगेटिव की तरफ से अट्रैक्शन होगी, अब ये पॉजिटिव इसको इस नेगेटिव की तरफ से भी अट्रैक्शन, इसको इसकी तरफ से भी अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं, इस वाले पॉजिटिव को इस वाले नेगेटिव से, फिर इस वाले नेगेटिव से इस वाले नेगेटिव से, इसी तरह इस वाले को भी इससे, इससे और इससे नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्शन होगी। अब जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्जन भी मौजूद होगी। अब रिपल्जन की फोर्स मतलब क्या है कि एक जैसे जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, मतलब दूर धकेलते हैं। अब वो कैसे धकेलते हैं, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, अपने से दूर जाने की कोशिश करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से दूर जाएगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से दूर जाएगा। इसी तरह नेगेटिव चार्जेस भी, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से और ये नेगेटिव इस नेगेटिव से। तो रिजल्टेंट क्या होगा, सारी की सारी जो फोर्सेज हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे कि पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री हो जाएंगे। फ्री होके ये कहाँ पे निकल आएंगे, यहाँ पे ये जो थोड़ी थोड़ी जो फ्री स्पेसेस पाई जा रही हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है और हीट है उसको रास्ता मिल जाएगा, गुजरने का रास्ता मिल जाएगा। तो यही वजह है कि जो मेटल में जो है वो बिजली या फिर हरारत इजीली जो है वो पास कर सकती है। इसी तरह जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल की अगर हम बात करें तो उसमें सोडियम मेटल आ जाती है, जिंक मेटल आ जाती है, कॉपर आ जाती है, मैग्नीशियम आ जाती है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की, सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। नॉन मेटल दोज एलिमेंट विच आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से बिजली और हरारत नहीं गुजर सकती। क्यों नहीं गुजर सकती, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, इसकी वजह से इनके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती। अब इनमें जो एग्जाम्पल में आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल में आ जाता है ऑक्सीजन आ जाता है और हाइड्रोजन आ जाती है, इसमें नाइट्रोजन गैस आ जाती है, ये आ जाती है नॉन मेटल में। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल की सेंटर वाली कंडीशन है, मतलब जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। मतलब कभी कभी ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कभी गुजर
गुजरने देते हैं और कभी अपने अंदर से नहीं गुजरने देते। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास एग्जाम्पल जो आ जाती है वो बोरोन, बी फॉर बोरोन की एग्जाम्पल आ जाती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट को हम जाहिर किस तरह से करते हैं, किससे करते हैं। एलिमेंट को जो जाहिर करने का तरीका है वो है सिंबल अलामत। अब 118 जो एलिमेंट है उनको हमने जो उनके नाम रखे थे वो चार जबानों में रखे थे। वो जबानें कौन कौन सी हैं? इंग्लिश, अंग्रेजी जबान है, लेटिन, लतीनी, ग्रीक, यूनानी और जर्मन। ये चार जबानों में हमने उसके नाम रखे हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी किस तरह हम इसके नाम रखते हैं। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के लिए हम उसका सिंबल यूज करते हैं H। अब देखिए पूरा हाइड्रोजन उसके लिए सिर्फ हमने H यूज किया। अगर हम H लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। अब इसका क्या फायदा हम सिंबल क्यों यूज करते हैं? एक तो हमें देखिए जगह कम यूज होती है इसके लिए। हाइड्रोजन पूरा लिखने के लिए इतनी स्पेस चाहिए लेकिन सिर्फ H लिखने के लिए इतनी। अब दूसरा इसका फायदा ये है कि ये टाइम सेव करता है हमारा। हाइड्रोजन को लिखने के लिए हमें टाइम ज्यादा चाहिए लेकिन H को लिखने के लिए सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए हमें। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए हम O को यूज करते हैं, क्लोरीन के लिए हम Cl। अब इसके लिए हमने Cl क्यों यूज किया है? सी क्यों नहीं खाली यूज किया? क्योंकि C जो है वो खाली कार्बन का सिंबल होता है। अब कार्बन का सिंबल और क्लोरीन को दोनों को हमने अलग अलग करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए कार्बन के लिए सिर्फ यू सी यूज होता है, क्लोरीन के लिए हम सी एल यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सी एल है। अब यहाँ पे एक और बात हमने गौर करनी है कि अगर एलिमेंट का जो सिंबल है अगर एक हरफ पर मुश्तमिल है तो उसको हम कैपिटल लिखेंगे, अगर दो हरफ है तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। देखिए सी हमने कैपिटल लिखा है, एल हमने स्मॉल लिखा, और वो हम लेते कहाँ से? या तो हम सेकंड वाला वर्ड लेते हैं या फिर हम सेंटर में से कोई वर्ड ले लेते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे सोडियम की। अब सोडियम का जो सिंबल है वो होता है Na। अब यहाँ पे देखिए सोडियम के नाम में ना ही N पाया जा रहा है ना ही A पाया जा रहा है, तो इसका नाम Na कहाँ से आ गया? जैसे कि अभी हमने बात की थी कि ये चार जबानों से मिलकर बने हैं। अब इसका सोडियम का जो है वो लतीनी और यूनानी दोनों नामों को जबानों को मिलाकर इसका नाम बनाया गया नेट्रियम। अब देखिए नेट्रियम में एन ए आ रहा है तो इसकी हम बात कर, ये हमारा जो सिंबल है सोडियम का वो एन ए है। अब इसके लिए इसमें डिफरेंस कहाँ पे किया? एक हमारे पास एलिमेंट है सल्फर। अब सल्फर जो हमारे पास एलिमेंट है उसका सिंबल होता है एस, तो इसमें डिफरेंस करने के लिए अगर हम सोडियम का भी सिंबल एस रख लेते हैं और सल्फर का भी एस, फिर हमें पता नहीं चलना था कि सल्फर की बात की जा रही है या फिर सोडियम की बात की जा रही है, तो इस वजह से हमने इसका जो है वो सिंबल यूज किया एन ए। अब देखिए हम दो और एलिमेंट्स की बात करते हैं जिनके सिंबल जो है वो चेंज है। मरकरी, मरकरी के लिए हमने बात की थी हमारे पूरे टॉपिक में, मरकरी और गोल्ड जो अर्ली एज में डिस्कवर हुए थे, एलिमेंट्स के नेम आए थे। मरकरी का सिंबल होता है एच जी। अब एच जी यहाँ पे ना एच है ना जी है, तो इसका जो नाम है लेटिन लतीनी जुबान में हाइड्रेट से इसका नाम है। यहाँ से एच लिया और यहाँ से जी लिया तो इसका हमने सिंबल बना दिया एच जी। अब गोल्ड की हमने बात की थी, ये भी अर्ली एज में डिस्कवर हुआ था, इसका सिंबल है ए यू, ना ये है ना ही यू है, तो इसका जो नाम है लेटिन में लतीनी जुबान में इसका नाम है ओरम। ए यू, यहाँ से ए लिया यहाँ से यू लिया तो इसका हमने नाम रख दिया ओरम, तो इसका सिंबल यूज होता है अब ए यू। जहाँ भी ए यू लिखा जाएगा मतलब किसकी बात हो रही है? गोल्ड की बात हो रही है। जहाँ पे एच डी लिखा जाएगा वहाँ पे किसकी बात हो रही है? मरकरी की बात हो रही है। ये भी हमने सिर्फ तीन एलिमेंट सोडियम मरकरी और गोल्ड के हमने नेम देखे हैं। ऐसा ऐसा जो है वो हम फर्दर सबके नेम जो है वो सीख जाएंगे और सिंबल भी इनके हम सीख जाएंगे। आज का जो टॉपिक था हमारा वो हमने बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने पैटर्न को डिस्कस किया, फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, फिर हमने सब्सटेंस को डिस्कस किया, फिर हम